गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि अब 10 बजे से आपका वेक्टर शुरू होगा, तो आज आपका वेक्टर मैं शुरू कर रहा हूं। आप लोग से भी लाइव जुड़ जाइए, जो भी आपके यार मित्र हैं उनको मैसेज कर दीजिए, प्रभाकर सर वेक्टर शुरू करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से आप लोगों का वेक्टर लाइव चलेगा और शाम को 7 बजे से इंटीग्रल कैलकुलस में इंडिफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है, अभी वही चलेगा। तो फटाफट आप लोग लाइव जुड़ जाइए और इस सेशन में आपको लाइव ही रहना है, हटना नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 बजे से किसी और भी सर का क्लासेस है तो इसको बंक करके आप दूसरे क्लास को अटेंड कीजिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। वेक्टर का क्लास लाइव में जैसे ही खत्म होगा वीडियो को मैं प्राइवेट कर दूंगा। इसीलिए वेक्टर अलजेब्रा आपको डे वन से मैं बता रहा हूं कि आपको लाइव रहना है, बिल्कुल से मेरे ही साथ रहना है। और वेक्टर यदि आपका छूट गया तो समझ जाइए कि आपका 3D भी छूट जाएगा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि वेक्टर यदि छूट जाएगा तो 3D में, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको बिल्कुल ही मेरे साथ रहना है, हम जो समझाएंगे उसको समझना है, जो लिखेंगे उसको लिखना है, कंप्लीट नोट्स आपको बनाना है, और फिर हम लोग इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में मैं कम ही पढ़ाऊंगा, फिर धीरे 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 मैं आपका टाइम को बढ़ाऊंगा। वेक्टर और 3D मिलकर 17 नंबर का आता है क्वेश्चन, 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 17 नंबर तब आता है जब आपका, समझ गए, जब आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है। लेकिन अब एग्जाम 100 नहीं बल्कि 150 नंबर का होता है, तो मोटा मोटी वेक्टर और 3D से आप मान के चलिए कि 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अलग बात है कि 150 में आपको 100 नंबर का एग्जाम देना है, ऑप्शन रहता है, इच्छा आपकी कि आप किसको सॉल्व करना चाहते हैं, वेक्टर 3D से ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं या किसी और से सॉल्व करना चाहते हैं। और ये वेक्टर बहुत आसान है, वो इसीलिए आसान है क्योंकि क्लास 11 के फिजिक्स में आप वेक्टर पढ़ चुके हैं, फिजिक्स वाले टीचर आपको वेक्टर पढ़ा दिए हैं क्लास 11 में ही। फिर भी जो बच्चे क्लास 11 में ढंग से वेक्टर नहीं पढ़ पाए हैं उनको भी कोई खास समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल से जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, एकदम से जीरो लेवल से। और जो आपका फिजिक्स के टीचर पढ़ाए हैं उनका जो तरीका होगा पढ़ाने का वो थोड़ा सा हम लोगों से अलग होगा, मैथ वाले टीचर से अलग होगा। फिजिक्स वाले टीचर वो लेकर जाएंगे आपको थ्योरी में, ज़्यादा वो थ्योरी बताएंगे, जबकि मैथ वाले टीचर यानी कि हम लोग थ्योरी के साथ साथ उसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ यूजेज है इसको पढ़ेंगे, तो अंतर हो जाएगा। फिजिक्स वाले टीचर का वेक्टर पढ़ाने का तरीका, मैथ वाले टीचर का वेक्टर पढ़ाने का तरीका में अंतर होगा। फिजिक्स वाले ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको थ्योरी पार्ट, मैथ वाले टीचर यानी कि मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हम लोगों का एम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ाना, थ्योरी समझाएंगे ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे बने। समझ गए दोनों में अंतर क्या है, अंतर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, एक बार इस चीज़ को भी जानना जरूरी है। वेरी फर्स्ट क्लास है, इस क्लास में हम लोग सिलेबस को भी पहले समझते हैं, क्या सिलेबस है, समझ गए।
होप कि आपको कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होगी। जो बुक फॉलो करेंगे वो बुक एक तो रहेगा आपके एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ एग्जांपल, एक्सरसाइज मैं सब बताऊंगा, और इसके साथ में एक दो बुक को भी लेकर मैं चलूंगा जिसमें से आपका केसी सिन्हा रहेगा, आरडी शर्मा रहेगा, आर एस अग्रवाल रहेगा, लालजी प्रसाद रहेगा, कई सारे बुक का मैं निचोड़ आपको बताऊंगा, समझ गए। लेकिन आपका जो मेन फोकस होगा वह फोकस होगा एनसीईआरटी पे और उसके साथ साथ अदर बुक पे, समझ गए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, समझ गए। कॉपी कलम आपको अभी भी मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा, और इस बीच में अपने यार दोस्त देख लीजिए, जो जो आपके यार मित्र अभी तक ऑनलाइन नहीं जुड़े हुए हैं आप उनको फटाफट मैसेज कीजिए, फोन कीजिए उनको कि आप आइए क्लास में आइए, 10:05 हो चुका है, आप फटाफट क्लास को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ अपने दोस्तों को, यार को, मित्र को फोन करके बोलने के, ठीक है, फटाफट उनको फोन करके बोलिए, नहीं तो फिर वेक्टर छूट जाएगा तो 3D भी नहीं समझ में आएगी। और वेक्टर का क्लास जैसे ही आपका लाइव क्लास खत्म होगा मैं वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। लाइव में आपको रहना जरूरी है, लाइव में आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए फटाफट मित्र को फोन कीजिए, तो आप कर लिए फोन अपने मित्रों को, बुला लिए, मैसेज किए, मैसेज कर दिए, सब लोग आ गए ऑनलाइन में, फटाफट यस लिखिए, अपना नाम लिखिए और अपना अटेंडेंस बनाइए, फटाफट तेजी से, ठीक है। चलिए आइए, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वेक्टर अलजेब्रा प्लस 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा प्लस 3D ज्योमेट्री, जिसको कि हम लोग 3D बोलते हैं, जिसको हम लोग 3D बोलते हैं, इससे कुल आपका 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कब? आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि जब 100 नंबर के एग्जाम होता था तब, लेकिन अब 100 नंबर का नहीं बल्कि 150 का एग्जाम होता है। आउट ऑफ 150 मार्क्स, यानी कि अब 150 का एग्जाम होता है। आप कहेगा सर 150 का कैसे होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। ऑब्जेक्टिव अब होता है 60 क्वेश्चन रहता है, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का, यानी कि 60 इसमें जवाब आपको कितना देना है,
तो जवाब आपको देना है सिर्फ 50 का, यानी कि 2B आंसर 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 × 1 50, आपको जवाब देना है 50 क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर का, जबकि पूछता कितना है, पूछता है 60 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर का। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ये 25 क्वेश्चन रहता है, समझ गए, कितना रहता है 25। तो 25 × 2 यानी कि 50 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 2B आंसर आपको आंसर कितना देना है, 15 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है, 25 का नहीं देना है। कितना हो गया, 15 × 1 क्वेश्चन आपका रहेगा 2 नंबर का, 15 × 2 यानी कि 30 नंबर का ही आपको आंसर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहेगा 8 क्वेश्चन, समझ गए, 8 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का, 8 × 5 8×5 = 40 यानी कि 40 नंबर का आपसे पूछेगा, आपको जवाब कितना देना है, 2B आंसर 4 क्वेश्चन यानी कि 4×5 = 20, थोड़ा ऊपर लिख दे, 4×5 यानी कि 5×20 5×20 शायद नहीं दिख रहा है नीचे, थोड़ा सा मुझे कुछ करना पड़ेगा तो नीचे दिखेगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है, तो 4×5 यानी कि 20 नंबर का ही आपको जवाब देना है, जबकि कितना का रहेगा, 40 मार्क्स का। तो देखिए क्वेश्चन टोटल आपको जो है आया कितना, आया आपका 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का दो नंबरिया क्वेश्चन और 40 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन, 60 और 40, 100 और 50, 150 का आपका क्वेश्चन आएगा, समझ गए, कितने का आएगा, 150 का। आंसर कितना देना है, तो 50 यहां पर आपको, 30 और यहां पर आपको 20 यानी कि 100 नंबर का पूछेगा, 150 का जवाब कितने का देना है, 100 नंबर का। तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है, ऑप्शन यह है कि यदि मैथ में आप सारा चैप्टर नहीं भी पढ़ते हैं, समझ गए, यदि सारा नहीं भी पढ़ते हैं किसी कारणवश, कुछ कम ही चैप्टर, यदि 2-3 चैप्टर आपका छूट जाता है, तब भी आप 100 में 100 नंबर का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि 50 नंबर तो एक्स्ट्रा पूछता है ना, 50 नंबर तो एक्स्ट्रा पूछा। यदि आप 4-5 चैप्टर को ही बढ़िया से कर लीजिए, जैसे कैलकुलस यदि आप अच्छा से कर लेते हैं, तो कैलकुलस से मोटा मोटी 60 से 65 नंबर आपका सिर्फ कैलकुलस से पूछ देगा, समझ गए, 60 से 65 नंबर आपका कैलकुलस से पूछ देगा। यदि आप वेक्टर 3D अच्छा कर लेते हैं, तो वेक्टर 3D से आप मान के चलिए कि 25 से 30 नंबर आपका पूछ लेगा, यदि 25 नंबर भी लेते हैं
हालांकि 25 से ज्यादा पूछेगा, फिर भी 25 नंबर लेते हैं, तो कैलकुलस आपका हो गया 60। अब 25 नंबर इधर वेक्टर 3D, तो कितना हो गया आपका, हो गया 85 नंबर। कितना हो गया 85। और फिर आप एक हल्का चैप्टर पकड़ लीजिए, हल्का चैप्टर पकड़ने का मतलब है कि आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पकड़ लीजिए, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपका 13 नंबर का पूछता है, जब 100 का एग्जाम होता है, लेकिन एग्जाम 150 का होता है तो आजकल 20-25 नंबर का पूछता है, समझ गए, 20-25 नंबर का पूछता है। तो यदि 20 नंबर में पूछा तो उधर आपका हो गया था 85 और 20 नंबर जोड़ दीजिए तो 105, तो 100 नंबर कहीं जवाब देना है, 105 नंबर हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। कहने का मतलब है पूरा सिलेबस यदि आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तब भी आप 100 मार्क्स का जवाब दे सकते हैं, समझ गए। इसीलिए वेक्टर 3D आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको आपको इसको गहराई से पढ़ना चाहिए, पूरा सिंसियर होकर पढ़ना चाहिए, इसमें कोई बंक नहीं मारिएगा, मेरे क्लास के टाइम पे किसी दूसरे के क्लास में नहीं जाइएगा, नहीं तो आपका अटेंडेंस कट जाएगा, आपका 30-35 नंबर का आपका नुकसान हो जाएगा, समझ गए मेरी बात। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, नहीं है तो अब इधर आइए। 17 नंबर का तब पूछता है वेक्टर 3D से जब 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, लेकिन अब एग्जाम 150 नंबर का होता है, इसीलिए ये आपका 25 से 30 मार्क्स का पूछेगा, समझ गए, कितने का पूछेगा 25 से 30, इससे ज्यादा भी पूछ सकता है, इससे कम नहीं पूछेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए, समझ गए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप इसको अभी नोट कीजिए, फिर इसमें क्या क्या पढ़ना है वेक्टर में, 3D के बारे में तो बाद में बताएंगे, लेकिन वेक्टर में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ, इसको फटाफट नोट कीजिए, हर एक चीज को नोट कीजिएगा, यदि मैं कहीं लिख कर काट दूं तो आपको भी लिख कर काट देना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, तो लिख लिए, हो गया नो छोटू, हो गया, लिख लिया आप लोग, फास्ट लिखिए, फास्ट, आइए क्या क्या वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को बताते हैं। वेक्टर अलजेब्रा
यानी कि सदिश बीजगणित, समझ गए, सदिश बीजगणित ये हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस, सिलेबस देखिए आपका क्या है, सिलेबस क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे सम, बेसिक कंसेप्ट्स, जो कि क्लास 9-10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सदिश राशि, अदिश राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि क्या है, सदिश वेक्टर क्या है, अदिश स्केलर क्या है, ये सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। क्या पढ़ेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज। और हम लोगों का जो माध्यम होगा पढ़ने का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको इंग्लिश में लिखना है हिंदी में लिखना है आप दोनों लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर का जोड़। पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, जो कि आप दसवां में पढ़े थे, इसमें निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे आप, विभाजन सूत्र क्या होता है, हम लोग यहाँ पे उसी तरह से विभाजन पढ़ेंगे। इधर आइए मैं मिटाता हूँ और बताता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट, समझ गए, प्रोडक्ट यानी कि आपका गुना। हम लोग दो प्रकार से इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और एक पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। एक और पढ़ेंगे, ये तो दो मेन हुआ, फिर इसी दो से मिलकर एक तीसरा आता है जिसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, समझ गए। क्या तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, क्या क्या पढ़ेंगे,
पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो क्लास 9-10 में पढ़ के आए हैं, फिर हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो के बारे में जानेंगे, वेक्टर के जोड़ के बारे में समझेंगे, इसी में घटाव भी आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, किसी सदिश को किसी अदिश से कैसे गुना करते हैं इस चीज को सीखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, और इसी में आपका और भी बहुत कुछ आएगा। हाँ, ये तो मैं जस्ट छोटा छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट पढ़ेंगे, इस प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा स्केलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कौन कौन सा बुक में फॉलो करूंगा, बुक्स नंबर 1 एनसीईआरटी, नंबर 2 केसी सिन्हा, नंबर 3 आरडी शर्मा, नंबर 4 आरएस आरएस अग्रवाल, नंबर 5 लालजी प्रसाद, समझ गए, लालजी प्रसाद। ये सब बुक एनसीईआरटी तो मैं एक सूर से आपको बताऊंगा, और ये सब जो बुक हुआ अदर बुक केसी सिन्हा आगे शर्मा आर एस अग्रवाल लालजी प्रसाद, ये सब का मैं आपको निचोड़ बताऊंगा, समझ गए। निचोड़ का मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीज है जो एग्जाम में आने वाला है उस चीज को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको एक तो एनसीईआरटी रखना ही रखना है, बुक नहीं है तो बुक ले लीजिए, यदि आप मार्केट नहीं जा सकते हैं तो इसका आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए, ऐप से डाउनलोड हो जाता है, पूरा बुक ही डाउनलोड हो जाता है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका माध्यम रहा हो आप उसी माध्यम में डाउनलोड कीजिएगा, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताऊंगा। एकदम कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आप लोगों को, फटाफट बोलिए, सोच के बोलिए कोई दिक्कत परेशानी है तो। नहीं है सर, चलिए ठीक है। तो आज मैं तो आपको इंट्रोडक्शन और सिलेबस बता दिया, बुक के बारे में मैं बता दिया, कितना नंबर का कहां से आएगा ये मैं आपको बता दिया हूं। तो ये सेशन आ चुकी फर्स्ट डे है, इसलिए इस सेशन को मैं लंबा नहीं खींचूंगा। अब अगले क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो अगले क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बीच में यदि आपको मौका मिलता है तो आप क्लास 11 का फिजिक्स निकाल कर थोड़ा बहुत स्टडी कर लीजिएगा, क्या है फिजिकल क्वांटिटी, क्या है भौतिक राशि, क्या है स्केलर क्वांटिटी, क्या है अदिश राशि, क्या है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि क्या है, डायरेक्टेड लाइन, दिष्ट रेखा क्या होती है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा क्लास 11 वाले फिजिक्स से तो ठीक रहेगा। यदि नहीं भी क्लास 11 में पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जीरो लेवल से यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए और इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। चलिए होप कि आप लिख लिए होंगे, लिख लिए हैं तो ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सेशन को समाप्त करता हूं।
नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।